हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट, दानेदार और माउथ मेल्टिंग सूजी का हलवा बनाएंगे। हलवे को हम प्रॉपर रेशो के हिसाब से बनाएंगे। हलवे में सूजी कितनी लगेगी, शक्कर कितनी लगेगी, पानी कितना यूज़ करेंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज हम ये रेसिपी देखेंगे। और इस हलवे को हम एक ही बर्तन में बनाएंगे, ना अलग से इसे भूनेंगे, ना अलग से हम चाशनी रेडी करेंगे, पूरा हलवा हम एक ही बर्तन में बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी बनाइए इस तरह से परफेक्ट सूजी का हलवा। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, इसी कटोरी से हम हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करेंगे। आप अपने घर की कोई भी एक कटोरी ले सकते हैं। अब इसी से हम सूजी, घी, शक्कर और पानी मेजर करेंगे। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी यूज़ की है मैंने। हलवा बनाने के लिए आप हो सके तो बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही परफेक्ट हलवा बनकर रेडी होता है। अगर आपके पास एकदम फाइन सूजी नहीं है तो आप मिक्सर में थोड़ी सी ग्राइंड कर ले और सूजी को फाइन बना लें। इसी के साथ हम लेंगे एक कटोरी घी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी देसी घी लिया है और घी को आप मेल्ट करके ही मेजर करें। एक कटोरी आपको पिघला हुआ घी लेना है। वैसे तो आप हलवा बनाने के लिए रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी के हलवे को टेस्ट आता है वैसा आपको रिफाइन ऑयल से नहीं आएगा। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे सेम कटोरी से एक कटोरी शक्कर ली है। तो ये तीनों चीज़ें हमें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। अब यहाँ पे आप घी और शक्कर को थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं पूरा घी ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है। आप चाहे तो पूरा एक कटोरी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम पे रखा है और सबसे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और काजू ऐड किए हैं। इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी किशमिश थी तो एक बड़ा चम्मच के करीब मैंने इसमें किशमिश भी ऐड की है। इसको भी फ्राई कर लेंगे और जैसे ही किशमिश फूलना स्टार्ट हो जाएगी हम इनको निकाल लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं। अब सेम घी में हम सूजी ऐड करेंगे। जब भी आप घी में सूजी ऐड करें, मेक श्योर करें कि घी अच्छे से गर्म है। ठंडे घी में आप कभी भी सूजी को ऐड ना करें। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। हलवे का जो मेन स्टेप होता है वो सूजी का भूनना ही होता है, तो सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 से 7 मिनट हमें चलाते हुए सूजी को भून लेना है। जब सूजी अच्छे से भून जाएगी इसमें से एक अरोमा रिलीज़ होगा और सूजी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपने सूजी को अच्छे से नहीं भूना है तो आपका जो हलवा है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हलवे में। इसकी जगह पे आप 2 इलायची को कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम सूजी को 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। सूजी को हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए ही भूनना है, वरना सूजी कहीं से जल जाएगी तो हलवा आपका ख़राब हो जाएगा। तो अब हमारी सूजी अच्छे से भून गई है, हमने पूरी सूजी को मीडियम फ्लेम पर ही भूना है। अब हम इसमें एक हलवाई वाली ट्रिक करेंगे जिससे आपका हलवा जो है वो दानेदार और खिला खिला बनेगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दूध में थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स डाल के रख दिए थे, तो ये 2 बड़े चम्मच केसर वाला दूध हम इसमें ऐड करेंगे। और जैसे ही हम ये दूध ऐड करेंगे हलवा जो है वो फोमी सा यानी झाग आना स्टार्ट हो जाएगा इसमें, और इसी से हमारा जो हलवा है वो एकदम दानेदार बनेगा। और केसर वाला दूध ऐड करने से आपका जो हलवे का फ्लेवर है वो एक अलग ही लेवल पे जाएगा। अगर आप केसर वाला दूध इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर ले। तो अब हमारी सूजी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है और सूजी हमारी अच्छे से भून कर फूल गई है। अब ये परफेक्ट टाइम है इसमें पानी ऐड करने का। तो जिस कटोरी से हमने घी, शक्कर और सूजी को मेजर किया था उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी ही इसमें ऐड किया है। और जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे गैस की फ्लेम को हम हाई पे करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना फॉर्म हो। अब जैसे जैसे सूजी पानी के साथ पकना स्टार्ट हो जाएगी
ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। और अभी आप ऊपर इसके घी भी देख सकते हैं, काफ़ी सारा घी है। एक कटोरी हमने घी लिया था, उसमें से भी थोड़ा सा घी मैंने रख दिया था। आप चाहे तो ये पूरा घी अभी इस वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ही पकाना है। और अभी आप देख सकते हैं कि सारा जो पानी है वो ड्राई हो गया है और सूजी हमारी अच्छे से पक गई है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को फिर से मीडियम पे करेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहते फिर भी आपका जो सूजी का हलवा है वो इतना ही फ्लेवरफुल बनेगा। और अब लास्ट में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे एक कटोरी मैंने शुगर ली है, आप चाहे तो शुगर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम शुगर ऐड करेंगे हलवा फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा और हलवे का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी करके इसमें शुगर ऐड की है, तो जितना आपको स्वीट बनाना है आप उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए लिड से कवर करके ढक कर दम पर कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हमने इसको ढककर लो फ्लेम पे कुक किया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए हलवे के साइड से घी भी रिलीज हो गया है। तो ये हमारा परफेक्ट सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग दानेदार सूजी का हलवा बनकर रेडी हो गया है। हलवा बहुत ही फ्लेवरफुल बना है क्योंकि हमने इसे अच्छे से भून लिया था और इसमें इलायची और केसर का जो फ्लेवर है वो इस हलवे को एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें और इस तरह से दानेदार सूजी का हलवा बनाकर रेडी करें। सुबह बनाया हुआ ये हलवा शाम तक भी बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। हलवा अगर ठंडा भी हो गया है तो आप इसको हल्का सा गर्म करके सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से सूजी के हलवे की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शानास किचन को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।